भयंकर रूप से माड़ आसुच्छे बात्या यस अर्थात आसंता काली भोर साढ़े पांचटू आरंभ हो लैंडफॉल प्रक्रिया भोर पाखापाखि साढ़े पांचटे बात्या धामरा रे पहुंच मध्याह्न बेलू को धामरा बालेश्वर बात्या यस अतिक्रम कर समय पवन रेग सर्वाधिक 150 किलोमीटर रही आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र यार प्रभाव में आज बात्यार प्रकोप देखा मिल आज संध्यारु प्रभावित जिले में पवन सह जोरदार वर्षा आरंभ हो धीरे धीरे बढ़ पवन बेग आज मध्य रात्रि पवन बेग घंटा प्रति 80-90 किलोमीटर रही आईएमडी डीजी चारोटी जिला अधिक प्रभावित हो जिला उच्च जुआर उठ बालेश्वर भद्रक जिले में 2-4 मीटर उच्चर जुआर उठ से जगत सिंहपुर केन्द्रापड़े 2 मीटर उच्चर जुआर उठ एवं बात्या यस भीषण रूप नहीं संध्या सुधा यह अति भीषण बात्यार रूप नेब स्थलभाग छुईबार पूर्व और पर 6 घंटा अति गुरुत्वपूर्ण आईएमडी डीजी आज मध्य रात्रि 60-80 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबोली काली सकाळ बेलू पवन बेग 150-160 अर्थात 185 पवन किलोमीटर रही पारे पारादीप और धामरा बंदर पर 10 नंबर विपद संकेत दी पुरी पर 8 और गोपालपुर 3 नंबर विपद संकेत जारी करा जाए छे। धामरा निकट रे आसंता काली भोर 5:30 पाखापाखि समय रे पहुँचवार पूर्वानुमान करिछु सेतेबेले यार पवन बेग 155-165 किलोमीटर प्रति घंटा गोष्ठी 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो पारे तापर मध्ये या उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करके ओडिशा उपकूल को धामरा एवं बालेश्वर मध्य मध्याह्न सुधा अतिक्रम कर 4 जिले में ज्वर आसो सेटा हूँ बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर स्थान विशेष ज्वर अलग अलग हो पारे किंतु इन जनरल में कहूँ साधारणतः 2-4 मीटर ज्वर आसो बालेश्वर एवं भद्रक जिले एवं पाखापाखि 2 मीटर ज्वर आसो केन्द्रापड़ा एवं जगत सिंहपुर जिले में एवं ओडिशा उपकूल निकट में पवन बेग प्रायतः 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा चली समुद्र उपर धीरे धीरे पवन बेग बढ़ी आज 25 तारीख मध्यरात्रि पर पवन बेग 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा होवार आम अनुमान करुच्छ केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर भद्रक जिलार उपकूलवर्ती अंचल मानक बढ़ी बढ़ी काली सकाल समय 5:30 समय जो करें धामरा निकट में आसी पहुँचब से ही समय पवन बेग बढ़ी 155-165 किलोमीटर प्रति घंटा और गोष्ठीनेस 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो पारे यह प्रथमतः भद्रक केन्द्रापड़ा और जगत सिंहपुर जिले में हेब ए धीरे धीरे बढ़ी बालेश्वर जिला और मयूरभंज जिला आड़ आगे सबुठ बेसी पवन आपंकर अधिक होता है जोटी बात्याटे अतिक्रम कै तार राइट साइड रे तेणु भद्रक और बालेश्वर जिले में सबुठ बेसी अधिका पवन होलोली आमर पूर्वानुमान एने अधिक सूचना पाई आम सहित सीधासल जोड़ी रही आईएमडी साइंटिस्ट डॉक्टर डीआर पटनायक डॉक्टर पटनायक आपको स्वागत करुच्छे आम आलोचना को विशेषकर बात्या यस को नहीं समस्ते भयभीत अच्छा आ सब भितर समस्ते अपडेट जानक रही कि प्रथम जानक चाहू ये लैंडफॉल प्रक्रिया केत आरंभ हो किसी समय पर आम निश्चित भाव जोड़ीबू कहीं बात्या यस भीषण रूप धरी माड़ आसुच्छ आसंता काली भोर 5:30 आरंभ हो लैंडफॉल प्रक्रिया पखापाखि यही समय पवन बेग 150-155 और 165 जा स्थलभाग छुईवा बेलू 185 किलोमीटर हो पारे अर्थात पवन बेग बढ़ा सहित बर्षार परिमाण बढ़ आज अपडेट जहाँ कह पारादीप सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड कर विशेषकर ए बात्यार प्रभावित हो बालेश्वर जिला एवं भद्रक जिला आम सहित जोड़ी रही आईएमडी साइंटिस्ट डॉक्टर डीआर पटनायक डॉक्टर पटनायक आपको स्वागत करुच्छे आलोचना को प्रथम जानक चाहिए एने समस्त अवगत रही समस्ते जानक इच्छुक रही प्रथम जानक चाहिए ये लैंडफॉल प्रक्रिया केत आरंभ हो नमस्कार एवं जो आम डायरेक्टर जनरल सर महापात्र सर कहले क्लीयरली मैंने लैंडफॉल प्रक्रिया जो कल सका ए पूरा कोस्ट को पहुंची जीव कोस्ट पाख धामरा पाख कोस्ट को आउ तापरे आउ आमे मध्याह्न सुधा काली मध्याह्न सुधा आमे चाहू छु सेटा लैंडफॉल से टाइम रे करिवो
आउ सेटा धामरा आउ आर अमर नॉर्थ ऑफ धामरा आउ साउथ ऑफ बालेश्वर से जगह रे लैंडफॉलटा करिवो काली नून टाइम रे बोली आमे अनुमान कर ओके डॉक्टर पटनायक ये तो थिला लैंडफॉल रो प्रक्रिया किंतु जानिया को चाहिबो सही समय रे पवन रो वेग कि भलि रहिबो तो पवन रो वेग आज राति तो बढ़िबा आरंभ हेबो आउ जेमजी कहिले से क्रॉसिंग टाइम से टाइम रे 155 165 गोस्टिंग टू 185 पर्यंत जाई पारे बोली आमे अनुमान करछु ते बीएसएस माने वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म हेई सरी कि सेही स्पीड रे तमने रहिबो सेही माने क्रॉसिंग टाइम रे दैट इज माने 155 टू 165 गोस्टिंग टू 185 ओके ये तहला पवन रो वेग पढिबो अधिक प्रभावित केउ सब जिला प्रति अलर्ट करा जाइछि बा अधिक प्रभावित केउ केउ जिला सब रहिबो उपकूल जिला गुड़ाक आम देख आम रीजनल सेंटर तरफ रू भी डिटेल वार्निंग दिखाई जगत सिंहपुर खोर्धा केन्द्रापड़ा बालेश्वर युवाक भद्रक युवाक जिला बेस दिखाई आ जुआर भी रही जमी कहले टू टू चार मीटर जुआर भी रही जो कोस्टल एरिया बेस दिखाई पुरी दी जाजपुर कटक सब से जो कोस्टल एरिया जिला गुड़ाक ओके डॉक्टर पटनायक जाने को चाहिबो केते मीटर उच्चता रे जुआर उठिबो माने जे आमो जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन तरफ रो ये फोरकास्ट आसे आ आमे जो देइछु वार्निंग टा 2 टू 4 मीटर 2 रु 4 मीटर पर्यंत आमे से जुआर अनुमान करछु ओके जेते बेले लोके अधिक भयभीत रहिथिबे जो माने स्थानीय रहिछन्ते बासिंदा समरे तो भयभीत रहिथिबे किंतु ए सब भितरे पवन रो वेग तो बढिबो आपण झा आपणकर अनुमान झा कहउछि किंतु वर्षा रो वेग किभलि रहिबो बा वर्षा रो परिमाण किभलि रहिबो ने वर्षा तो प्रति मे प्रबल रो अति प्रबल वर्षा आमे देइछु को जगह रे एक्सेप्शनली हेवी माने सेटा भी हे परे माने प्लेस रे काकि ए जेते सिस्टम एते बड़ धरण सिस्टम ता जाए सेटा माने प्रबल वर्षा होय आ अपन से कोस्टल एरिया रे एबे अनुमान भी करथिबे आज पारादीप भी बहुत माने वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट करी सारछि तो से दृष्टि रे माने प्रबल रो अति प्रबल वर्षा हेबो आज्ञा ता सहित जाणिया को चाहिबु डॉक्टर पटनायक आम पूर्व देखीछु जेते बेले बात्या धीरे धीरे माड़ी आसे पाख को तो कौटना कौटे ये टिके परिवर्तन करिथाय बा बात्यार गतिपथ परिवर्तन करिथाय तो ये नहीं कौन से आकलन करा जाउछि कि बात्या इयर्स रा आउ कौन से दिग को परिवर्तन हेबार आशंका देखा दिउछि कि ने देखो एबे जो आमे ए जो गत माने लास्ट 6 आवर को देखिबे जदी सेटा टिके स्पीड टिके बढी जाइछि तार माने नॉर्थ वेस्टर्ली माने उत्तर पश्चिम दिगरे को जाइछि तो जेते लैंड पाख को आसी ये टी इंटरेक्शन हुए टिके स्पीड भी बढ़ी जाए केते केते बेले आउ किंतु बेसी लैंड रो बेसी दूर नाही तो बहुत परिवर्तन आउ हेबोनी बहुत परिवर्तन हेबोनी सेति पई माने आउ समय परिवर्तन हा पई बेसी समय नाही तो से दृष्टि रो किंतु लैंड रे जे इंटरेक्शन हे जिवो तो आमे से माने सेटा आमे अनुमान करिछु आउ काली सकाळु पोस्ट पाख को पळि जिवो आउ काली मध्यान सुद्धा माने लैंडफॉल माने टच करिवो बोली के माने ओके लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ होई छि प जानिया को चाहिबो डॉक्टर पटना कि ये जो लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ होइबो ये केते घंटा धरि चलिबो भाई ये केते घंटा धरि तांडव रचिबो सेटा तो माने लैंडफॉल प्रक्रिया तो चले 3-4 घंटा चले प्रथमे गोटे वॉल क्लाउड जीव तापर ता आई रहे तापर पुनी नेक्स्ट पार्ट जीव सेटा कम 3-4 घंटा लैंड प्रोसेस हुए से माने पूरा कंप्लीट हेबा पई पूरा पूरा सब पार्ट माने साइक्लोन रो भीतर को जिया पई सेटा 3-4 घंटा तार लैंड प्रोसेस टाइम लिए ओके डॉक्टर पटनायक जाने को चाहिबो तासत जेमति कि आपण कहले कि जे आई पॉइंट थाय ता परवर्ती समय रे आहुरी मध्य किछि समय धरि क्षयक्षति घटाय थाय किंतु वर्तमान समय रे कोनोसे पूर्वानुमान करा जाय छि कि बात्यार केन्द्र स्थल बा बात्यार आई पॉइंट को वर्तमान समय रे अणा जाय छि कि सामना को देखो आमे जे क्रॉसिंग जे जे आमे कहू से सेंटर क्रॉस करबो सेटा आमे जो पॉइंट आबे देइछु माने नेरो माने नॉर्थ ऑफ धामरा धामरा प्रोटी न आ बालेश्वर टी साउथ सेही भितरे आमे माने से तर आइटा क्रॉस करबो बोली करी अनुमान कराउ छी ओके जहां प्रभाव रे केन्द्रापडा जगतसिंहपुर एवं भद्रक बालेश्वर अधिक प्रभावित हेबो किंतु ता छोडा ए चारोटी जिल्ला को बाद जदि आमे देबा ए चारोटी जिल्ला को बाद दिले आउ केउ जिल्ला प्रति अधिक प्रभावित हेबो बोली आशा करा जाउ छी बा अनुमान करा जाउ छी ने आमे पुरी रे भी दे छु माने आमे सब डिफरेंट टाइप रो माने आमे कैटेगरी करा जाय वार्निंग गुडा को माने ऑरेंज वार्निंग रेड वार्निंग सब करा जे तो से तो देखिबे जदी आमे बहुत गुडा माने अन्य जिल्ला गुडा को दिया छी त
तापर जेतेले इंटीरियर एबी नॉर्थ इंटीरियर पार्ट ओडिसा मु मध्य जेतेले लैंडफॉल करि सल्ला परे भी तार प्रभाव रहिबो 6 घंटा पर्यंत तो होइबो तापर धीरे धीरे तार इंटेंसिटी कम होबो सेति भई आमे सब गुडा को डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट दिया हिची माने गंजाम देची पुरी दिया हिची माने कटक दिया हिची जाजपुर दिया हिची तापर पुनी नॉर्थ इंटीरियर रे भी ढेंकानाल ये सब दिखाई मानते डिटेल आम डिस्ट्रिक्ट गुड़ाक हिसाब से कौ कैटेगोरी कौ रेड वार्निंग ऑरेंज वार्निंग आम पानीपाग ऑफिस भुवनेश्वर क्लीयरली दिखाई मानते से ग्राफिकाल ग्राफिकाल दर्शाई ओके डॉक्टर पटनायक सहित जाना चाहिए ये जो कथा क्या क्षय क्षति कथ जो सामना को आसूची आम देखु अनेक ओडिशा अनेक बात्या को सामना करी किंतु ये जो पवन बेग रही पूर्व आम देखी फोनी कथा कहु अम्फान कथा कहु जदि से बात्या तुलन ए बात्यार प्रभाव किभली रहा क्षय क्षति कौन आकलन कर अम्फान आप कहले से जो अम्फान कथा कहले गत वर्ष यही समय से अम्फान क्रस करता कथा कोड़े तारीख 20 मे गत वर्ष अम्फान क्रस करता से वेस्ट बेंगल बांग्लादेश से एरिया क्रस होता कि अम्फान सुपर साइक्लोन होता कि सुपर साइक्लोन पूर्वर होता क्रस होगा बेले से भेरी सीवियर साइक्लोन था कहीं मानने दु दिन पूर्व मानते जो तार इंटेनसीटी बढ़ी जाता है सुपर साइक्लोन होता कि क्रस करने पूर्व टी डिक्रीज होगा एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन सिस्टम तापर भेरी सीवियर साइक्लोन सिस्टम आ तार विंड स्पीड भी क्रस करले टाइम रे से 155 165 185 से तार विंड स्पीड भी रही तो से दृष्टि मानने से क्रसिंग टाइम को देखा गले मानने दुईटा मानने पाखापाखी मानने इंटेनसीटी अच्छी एवं आम अनुमान करूटा भी VSCS मानने से टाइम भी तार विंड स्पीड से धरण रही 155 165 र माने विंड स्पीड ओके ये रही पवन बेग किंतु जानिया को चाहिबो डॉक्टर पटनायक आपण तो पूरा जिला वारी तथ्य आमको देले पा दर्शकों को देखाइले दर्शकों को सुनाइले किंतु जानिया को चाहिबो शेष रे ट्विन सिटी अर्थात कटक एवं भुवनेश्वर रे किभली पवन बेग रहिबो एवं वर्षार परिमाण किभली अनुमान करा जाउछि कटक माने कटक माने खोरदा डिस्ट्रिक्ट रे तो दिया हिची के काली जेबी आज हम डीजी साहब कहुतिले माने से टिके भितर हला माने तो विंड स्पीड टिके कमिबो किंतु काली सकाल आज राती रो हेइबो 80 90 किलोमीटर पर आवर काली सकाल पण आ बढ़िबो 100 110 पड़िबो सेते तो सेई रेंज रे तो आमे रहुचु किंतु तार गस्टिंग गस्टिनेस रहे तो से 15 20 किलोमीटर पर आवर सेटा बढ़ि भी जाए तमे विंड स्पीड ता तो ओकेजनली से माने सेटा आमे अनुमान करचु किंतु कोस्ट पूरा जो भुवनेश्वर कटक टिके भितरे अछि तो कोस्ट अपेक्षा तार टिके विंड स्पीड टिके कम हे पारे कि जेउटा आमे अनुमान करचु पूरा कोस्टलाइन पाखरे जेते रहबो ताटु टिके कम रहि पारे से ओके जतियो पवन रो बेग कम रहबो किंतु भुवनेश्वर एवं कटक रे ट्विन सिटी रे पाखा पाखी पवन रो बेग 80 रो 90 110 पर्यंत मध्ये जाई पारे बोली जा पूर्वानुमान करा जाउछि बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित डॉक्टर पटनायक जोड़ी रही बहुत बहुत धन्यवाद जनाउछि।